Indian National Congress. जिंदाबाद. Indian National Congress. जिंदाबाद. Indian National Congress. जिंदाबाद. Sonia Gandhi. जिंदाबाद. Sonia Gandhi. जिंदाबाद. Narendra Modi. हाय हाय. Narendra Modi. हाय हाय. Narendra Modi. हाय सरकार. हाय हाय. Modi सरकार. हाय हाय. Modi सरकार. हाय हाय. सरकार. हाय हाय. Modi सरकार. हाय हाय. Modi सरकार. हाय हाय. Modi सरकार. हाय हाय. Modi सरकार. हाय हाय. इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद. राहुल गांधी जिंदाबाद. सोनिया गांधी जिंदाबाद. सोनिया गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. सोनिया गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद. इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद. इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद. श्रीमती सोनिया गांधी. हाय हाय. हाय हाय. ये कोई तरीका नहीं है. ये हिंदुस्तान की पहले यूपी की चेयरपर्सन रही है सोनिया गांधी, और मैं समझता हूँ ये लानत की बात है सरकार के ऊपर कि बार बार किसी बंदे को एक ही बात पे बुलाना. और यह नरेंद्र मोदी डरपोक आदमी है, वो ईडी को हायर करता है और खुद किसी बात के लिए आज तक उसने जवाब नहीं दिया है. इतनी महंगाई बढ़ गई हिंदुस्तान में, इतना सिस्टम खराब चल रहा है, लोग उधर त्रासदी से मर रहे हैं, जगह जगह बाढ़ आई हुई है, और उसने जानबूझ के लोगों के डाइवर्ट करने के लिए, ताकि लोगों को महंगाई की तरफ ध्यान ना रहे, तो कब ईडी के आगे सोनिया गांधी को बुला लिया जाता है. और वही सवाल जो उसके बेटे से पूछे गए अब उससे पूछ जाते हैं. मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक कोई सरकार नहीं है, और इससे शर्मनाक कि हिंदुस्तान में कोई वाकया नहीं है. इंदिरा गांधी की बहू है वो, राजीव गांधी की पत्नी है, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बीवी है वो. मैं समझता हूँ कि ऐसी शर्मनाक सरकार, और इनको शर्म भी नहीं आती है कि बार बार उसको बुलाते हैं, जबकि मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ सच्चाई है. सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो ये सब कर रहे हैं, और इसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा. और बीजेपी को इस बात के लिए जवाबदेही होना पड़ेगा कि बार बार वो क्यों बुलाते हैं सोनिया गांधी को. बस लोगों का मन भड़काने के लिए इधर उधर, ताकि लोग महंगाई की तरफ ध्यान ना दें. आज तो आटे पर भी GST लग गया, खाने पर GST लगा दिया है. ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि लोगों का मन भटकाने के लिए जानबूझ के इस तरफ सोनिया गांधी को ईडी के बार बार बुलाया जाता है. हिंदुस्तान की कांग्रेस ने ये प्रोटेस्ट रखा है, पीसफुल शांतिपूर्वक तरीके से हमने ये प्रोटेस्ट रखा हुआ है. ईडी का मतलब क्या है, रोज कभी 5 घंटे अब रोज का राहुल को बुलाते हैं, अब सोनिया गांधी को बुलाए. अगर उनकी हिम्मत है तो कोई FIR लगाए ना. विदाउट FIR 8 साल से वो घूम रहे हैं, और ये कहते हैं कि घबला हुआ है. अगर घबला हुआ है तो उन पर FIR लगाए. कोई FIR नहीं, विदाउट FIR हरास किया जा रहा है, और लोगों के मुद्दों को जो भड़का रहे हैं, जो लोगों के जो असली मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उसको भड़काने के लिए देश का मीडिया परेशान कर रहा है. देश का मीडिया वही दिखा रहा है, ईडी दिखा रहा है. जो जनता के मुद्दे हैं उन पर कोई भी बात नहीं कर रहा. पूरे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का या कुचलने का जो ये दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं कि बजाय मुद्दों पे, बजाय जो हिंदुस्तान की जो जनता चाहती है, बजाय आज आप सिलेंडर देख लें, पेट्रोल देख लें, गैस लें, किसानों का हाल देख लें, बजाय उन मुद्दों के भटकाकर जब ओपोजिशन आवाज़ उठाने की कोशिश करती है, तो मोदी सरकार उनके पीछे ईडी CBI NIA कोई ना कोई मसला बनाकर इसको दबाने की आवाज़, लोगों की आवाज़ जो दबाने की आवाज़ बंद करना चाहती है. इसी खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में जो संघर्ष चला रहा है, सत्याग्रह जो चल रहा है, कि जो सच्चाई है कोई निकल के सामने कुछ आ नहीं रहा. ये ज़बरदस्ती ये पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है. आज हमारा संघर्ष जो कठुआ में पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव का आगाज हो जाएगा, और जनता इसका पूरा जवाब देगी, मुँह तोड़ जवाब देगी. सारा महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक दशा हिंदुस्तान की कहाँ पहुँच गई है. आटे पे GST, नमक पे GST, हर खाने पीने वाली वस्तु पे GST, अग्निवीर के नाम पे युवाओं को लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, बेरोजगारी कहाँ पहुंची है. इन सब से तो ध्यान बांटने के लिए वो आए दिन सोनिया जी को, राहुल जी को, इस पे जो
कोशिश करते हैं ग्रिल करने का कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रोज बुला लेते हैं कि ताकि विपक्ष का कहीं ध्यान और भटक जाए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपने लीडर सोनिया गांधी जी के साथ मुस्तैदी के साथ उनके साथ खड़े हैं। जो केस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का 2014 को क्लोज हो चुका था, जिसमें बरी हो चुके थे, उसको दोबारा ये एक बेंडेटा पॉलिटिक्स है, मोदी सरकार की प्रतिशोध की राजनीति, ऐसे सहन नहीं किया जाएगा। मुल्क को याद हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मोदी देश चलाया जाता है, कि मोदी का कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ नहीं चलेगा, और उसी के चलते चलते हम लोग ये सड़क पर धरना, हर गाँव में, हर शहर में ये धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे, और जब तक मोदी सरकार को नेस्तनाबूद नहीं किया जाता हमारे ये धरने प्रदर्शन बंद नहीं होंगे। जिला कांग्रेस कमेटी अपने ब्लॉक सदरों के साथ, अपने मोहल्ला अपना प्रेसिडेंट के साथ हम हर जगह संघर्ष करेंगे, और इस भारतीय जनता पार्टी उस निकम्मी सरकार को जो बेरोजगारों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, और जो भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुकी है, उसको खाट फेंकने के लिए हम पूरी तरह से साथ में, और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से वापसी करेंगे। ऐसी डिपार्टमेंट हुआ आज पूरे देश के अंदर जो आईडी के खिलाफ है, पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस है वो अपने प्रोटोक्स कर रही है, तो मैं कठुआ के अंदर भी जो है वो हमारा चल रहा है पंगे डोगरा की स्टार्स के बीच में से। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी वालों को कि अगर बीजेपी वाले अगर 52 घंटे की रास्त में उन्होंने राहुल गांधी को वहाँ पूछताछ की, लेकिन उनके हाथ में क्या लगा। लेकिन मैं उनको ये भी पूछना चाहता हूँ कि 76 साल की उम्र में सोनिया गांधी 76 साल की उम्र में उसको परेशान किया जा रहा है देश के अंदर, जब ईडी का मसला है, जो उनके प्राप्ति का मसला है वो क्लियर हो चुका है कि ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन हरासमेंट करने के लिए देश के अंदर जो लीडर हैं अपोजिशन पार्टी के, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है शेख अब्दुल्ला के भी उन्होंने वो निकाल दिए हैं, ब्रेंडर निकाल दिए हैं कि वो भी ईडी ने उनको बुलाया है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर और 2-4 स्टेटों में जो लक्षण आ रहे हैं, इन लोगों को पार्टियों को परेशान किया जाए, लोग अपने मकसद तक ये लोग नहीं पहुंच सके, इसलिए ये पूरे देश के अंदर लोग बुखलाए हुए हैं, और जो बीजेपी पार्टी भी देश के अंदर बुखलाई हुई है, उनको पता है कि हमें देश को लूटा है, उनको पता है कि हमें देश के गरीब को मारा है, उन लोग को पता है कि हमें देश के मजदूर को मारा है, उनको ये पता है कि देश को किसान को मारा है, देश व्यापार मंडल को मारा है, उनको ये पता है कि आने वाला जो वक्त है वो हमारे हाथ में नहीं लगने वाला, इसलिए वो दूसरी एजेंसियों का प्रयोग करके उन्होंने जो लीडर हैं, नेता हैं, उनको हरासमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ लग जाए, और ये हम आसानी से हेरा फेरी से जीत सकें।